एक कंट्री के पास जितनी ताकत होती है और जितनी क्षमता होती है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जितना हर कुछ व्यवस्था होता है, सारा चीज मीरा रोड में मौजूद है। और अजानी साहब ने यह भी कहा कि अगर आप लोग साथ देते हैं तो टेक्सास की पढ़ाई जो 50 लाख रुपए में पूरा होता है, यहाँ से जाने वाला कोई भी स्टूडेंट अगर चाहे कि 50 लाख रुपया खर्चा करके वहां से लेकर के आए, तो वो चीज मैं पूरे के पूरे फ्री करके मैं देने का वचन देता हूँ, अगर आप लोग साथ देते हैं तो, जिसकी चर्चा इन्होंने किया है। आज से शायद लगभग एक साल होने को आया है, 3 अप्रैल 2016 को हमारे रॉयल ब्रिगेड का पहला प्रोग्राम था जीसीसी क्लब में। उस क्लब में मैंने लोगों से कहा था कि एजुकेशन को मैं फ्री करूंगा पूरे हिंदुस्तान में, और एजुकेशन के लिए किसी के परिवार में कभी कोई शिकायत नहीं होगा, कोई माँ रोएगी नहीं, कोई बच्चे का भविष्य अपने भविष्य के बारे में चिंतित नहीं होंगे, और उसके लिए चाहे जो हम करेंगे। तो हमारे बीच कुछ मौजूद नेतागण थे जो बोले कि ये असंभव बात है, इसकी चर्चा आप नहीं करो तो ज्यादा अच्छा है, लाइफ खराब हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। अभी मैंने उन पर एक साल का वचन दिया था कि मुझे सिर्फ एक साल दीजिए, और इसकी गवाह है अभी हमारे बीच मौजूद मशहूर हस्ती मीरा भाईंदर की, काजल सक्सेना जी, शायद उनको याद होगा, कहाँ है मैडम, इनको याद होगा कि मैंने बोला सिर्फ एक साल दीजिए और ये चीज मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी इस बात को, हमारी सोच को, जो उन्होंने एक ताकत देने का कोशिश किया था, हमारे बीच आए और उस ताकत को थोड़ा सा और सहारा दें। काजल सक्सेना जी, नमस्कार। सबसे पहले तो लेट मी विश ऑल द वुमेन सिटिंग आउट हियर अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। दो शब्दों में आप सभी को इस वुमेन्स डे पे फेलिसिटेट करना चाहूंगी कि कोमल हूँ कमजोर नहीं हूँ, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिस्टर अजानी जस्ट नाउ मेंशन दैट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड टेक्सास। मिस्टर अजानी, यू आर रिप्रेजेंटिंग द एनआरआई सेल फॉर बीजेपी। I represent the district secretary position with BJP Basic. So we sail in the same boat, we have the same goal, and we have the same path to achieve. जहाँ तक मीरा भाईंदर की बात करूँ तो मीरा भाईंदर किसी टेक्सास से कम नहीं है। हम ऐसा समझते हैं जब हम मीरा भाईंदर की बात करते, फरीद भाई मुस्कुरा रहे हैं वहाँ से। सुभाष जी ने मुझे बोला, आप एक साल पहले बोलते ना आई विटनेस है उस चीज की, तो आप मुझे प्रूफ दीजिए आज आई विटनेस होने का। मेरे ख्याल से एक ही आई विटनेस यहाँ पे मौजूद है, इज इट नहीं, काफी सारे, जस्ट जो। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए, क्षमता हर व्यक्ति में होती है, हम सभी में है। एंड बीइंग अ वुमन, आई वुड से ईच एंड एवरी वुमन हैज एन एबिलिटी टू शो टू द वर्ल्ड दैट शी इज अ वुमन ऑफ सब्सटेंस। सो प्लीज, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे वर्किंग हो, आई एम सॉरी आई शुड नॉट से दिस, इवन हाउसवाइफ्स आर वर्किंग, उनसे बड़ा काम करने वाला व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्योंकि जितना काम वो करती हैं, जितना मल्टीटास्किंग वो करती हैं, दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। तो आई वुड से फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी वुमन, एवरी मैन, द बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु इज अ मदर। सबसे बड़ा मैनेजमेंट का जो गुण होता है, जो नींव रखी जाती है बच्चे के अंदर, और जो जो उसे सिखाता है, वो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, वो किसी जन्म गुट्टी में नहीं पिलाई जा सकती, वो सिर्फ और सिर्फ एक माँ सिखा सकती है। क्योंकि वो खुद सबसे बड़ी मैनेजमेंट गुरु है, जिसे बोलते हैं ना, यूनिवर्स का जो मैनेजमेंट गुरु है ना, एक ही है, द गॉड आउट देयर, उसने क्रिएट किया है। सो शी इज अ यूनिक क्रिएशन बाय द यूनिवर्स बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु। सो अगर उस मैनेजमेंट गुरु ने जिसको बनाया है, तो अपनी सारी क्षमताएं, अपनी सारी कैपेबिलिटीज उसमें डाल के भेजी हैं, ताकि वो दुनिया को एक सृष्टिकर्ता के रूप में
ऐसे बच्चे दे सके, ऐसी बच्चियां दे सके जो इस दुनिया को चला सके. सो शी इज द बिगेस्ट मैनेजमेंट गुरु. तो नमन करती हूँ आज के दिन इस नारी दिवस पे सभी माओं को, हम सबको पैदा करने वाली हमारी माँ को और यहाँ बैठी जितनी माएँ हैं उन सभी को. और सुभाष जी, आपने जो कुछ भी कहा था वो अक्षरशः सही था. हम सभी आपके साथ शुरू से रहे हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे. आप इसी तरह से करीब भाई सुभाष जी एंड रॉयल ब्रिगेड काम करते रहिए. जहाँ भी ज़रूरत लगेगी, जहाँ भी आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारे आने से या हमारे क्षणिक भर की कोशिश से कुछ भी अच्छा हो सकता है समाज के लिए, हम जरूर करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड ऑल द पीपल सिटिंग ऑन द डायस, अ वेरी वार्म वेलकम. रॉयल ब्रिगेड डेफिनेटली हैज अचीव्ड इट्स मार्क. आई वेलकम मिस्टर जॉनी, यू हैव गॉट एसोसिएटेड विद रॉयल ब्रिगेड, सो वेरी वार्म वेलकम. And Subhash ji, thank you very much for calling me. I'm sorry I would not be able to spend much time out here because we have other female friends waiting out for us. So we would like to give some small little time to them also. Thank you very much for calling me out here and all the very best to Royal Brigade and Subhash ji and Farid bhai. Thank you so much. Thank you, Prada ji. Hello. आज का दिन आप जितने भी लोग यहाँ आज मौजूद हैं एकदम से स्पेशल डे है आज हमारे लिए. आज का दिन मामूली नहीं है क्योंकि वोमेंस डे तो है. वोमेंस डे के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन मैंने जैसा मैं सोचा है, समझा है, महसूस किया है कि किसी भी देश के बारे में या किसी भी जगह के बारे में या किसी के परिवार के बारे में अगर उसकी संपन्नता, उसकी खुशियाँ का मेजरमेंट करना चाहें तो उसके परिवार की महिलाओं को देखिए. अगर किसी देश की संपन्नता के बारे में अगर मेजरमेंट करना चाहते हैं कि कितना डेवलप्ड है, तो वहाँ की महिलाओं का स्टेटस को देखिए तो पता चलता है कि एक्चुअल में उस कंट्री का क्या स्टेटस है. इसलिए जो वोमन, जो महिलाएँ हैं, वोमन हैं, अगर उनकी संपन्नता नहीं है, अगर उनको दुख है, उनको तकलीफ है, इसका मतलब है कि पूरा देश को तकलीफ है, पूरे समाज को तकलीफ है. इसलिए वोमेंस डे में हमारा ये कोशिश है, हमारा ये सोच है, हमारा ये प्रयास है कि आज के दिन, आज से, अभी से, इसी वक्त से किसी भी महिलाओं को किसी भी प्रकार का अगर तकलीफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लगता है कुछ करना चाहिए, तो रॉयल ब्रिगेड में आप या आपकी सहेलियां या आपके कोई भी बच्चे बच्चियां, आप किसी भी तरह का तकलीफ हो हमारे यहाँ लाइए और बताइए. और हमने अभी तक गारंटी के साथ हमने काम किया है. एक साल पहले भी हमने बोला था माइक पर, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग भी किया था, और वो गारंटी आज तक मैंने मेंटेन किया हुआ है. जिसने भी विश्वास किया है, जिसने विश्वास नहीं किया उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिसने विश्वास किया है उसका पूरा हुआ है. और कोई भी हमारे रॉयल ब्रिगेड से उदास होकर के गया नहीं है. इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पूरे विश्वास और अपनी पूरी ताकत रॉयल ब्रिगेड को दीजिए. और हमारा जो मेन मकसद है एजुकेशन, जब तक एजुकेशन पूरी तरीके से फ्री नहीं होगा कोई भी कंट्री कभी भी डेवलप नहीं हो सकता है. आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं है, मैं सर को अपनी आवाज, अपनी बात, मीरा भाईंदर की आवाज या पूरे देश की आवाज अपने अजानी साहब को मैं पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि इनका रिलेशन, इनका संबंध, इनका अप्रोच अमेरिका से है, टेक्सास से है, और इन्होंने वादा किया है कि आपके मीरा भाईंदर के वासी अगर हमको साथ देंगे तो टेक्सास जितना संपन्न है आने वाले एक साल के अंदर उतनी पूरी सारी सुविधाएं हम यहाँ देने की गारंटी देते हैं. इनसे हमारी बातचीत में ये पूरी तरीके से कई बार इन्होंने कहा है, और हमने भी इनसे गारंटी दिया है कि हमारे पूरे जितने भी मीरा भाईंदर के जितने भी लोग हैं, सभी लोग, सभी हमारे सभी हमारे मीरा भाईंदर के सभी लोग आपको साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके हर कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे. इसके लिए हमने एक यूनिक स्कीम चलाया है. कोई भी संस्था अपने में सिर्फ मेंबरशिप करते हैं, कोई भी कंपनियां अपने यहाँ सिर्फ उसको जोड़ते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है. हमारे साथ जो भी मेंबर्स हमारे से जुड़ते हैं, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, हम उनको बताते हैं कि देश कैसे चलता है, समाज कैसे चलता है, गवर्निंग सिस्टम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज
कैसे काम करता है, पॉलिटिकल पार्टीज का दायित्व हमारे प्रति क्या है, हमको पॉलिटिकल पार्टी से कैसे क्या लेना है, ये हम बताते हैं। और बताने के बाद 3 महीने के ट्रेनिंग देने के बाद हम उनको एक संस्था ओपन करके देते हैं जिसको बोलते हैं ट्रस्ट, एनजीओ, मंडल एक्सेट्रा, जो भी उनको सूट करता है उनके हिसाब से बना करके देते हैं। और हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जिनके लिए हमने ऐसा काम कर दिया है। तो हमारे बीच जितने लोग मौजूद हैं आज किसी न किसी संस्था के प्रेसिडेंट हैं, कोई भी आप लोग व्यक्ति नहीं है। अजानी साहब को हम बताना चाह रहे हैं, ये जो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपसे नहीं बोल रहा हूँ, आपकी बात अजानी साहब तक पहुँचा रहा हूँ कि आप लोग जो बैठे हुए हैं कोई एक व्यक्ति नहीं है, आप लोग एक संस्था है। किसी के पास 50 लोग हैं, किसी के पास 100 है, किसी के पास 1000 है, लेकिन कोई भी एक नहीं है। हर व्यक्ति एक संस्था के नायक है, प्रेसिडेंट है, संचालक है, और सभी लोग मिलकर के मीरा भाईंदर के परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध है। और आज मैं ये चाहता हूँ कि अजानी साहब हमारे इस प्रयास को देखते हुए हर दिन हमसे अपडेट लें, हर मंथ अपडेट लें, हर साल अपडेट लें, और यहाँ के जो लोगों को जरूरत है पूरा करने का कोशिश करें, जिससे कि हमारा जो एक उद्देश्य है मीरा भाईंदर के प्रति पूरा हो। और मैं अपनी बात बीच बीच में रखते जा रहा हूँ, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि बहुत मुश्किल से आते हैं। अभी काजल जी यहाँ आई है, बहुत अर्जेंट मीटिंग को छोड़ करके कुछ वक्त के लिए आई थी। और हमारे बीच एक मयंक मेहता जी हैं, और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, हेल्थ मिनिस्ट्री का ये मेंबर है, और अपने बारे में 2 शब्द बोलेंगे और हमारी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और अजानी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रॉयल